हेलो साथियों, आज मैं आपको मतपत्र लेखा 17 गा कैसे तैयार किया जाता है इसको बता रहा हूँ, जो आने वाले चुनाव में एक महत्वपूर्ण कागजात है जिसको आप समय से काउंटर पर जमा करना होगा। यह एक पीठासीन अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये जो इसे हम 17 ग्या या 17 सी प्रारूप कहते हैं और इसका पूरा नाम है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। तो इसको हम कैसे भरेंगे, यहाँ पर एक प्रोफार्मा प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप जो भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र होगा उसका नाम या अन्य विवरण लिख के 2024 जो भी नामकरण से आपका लोकसभा क्षेत्र जो आपको जिसमें चुनाव करना है उसका विवरण भर के, फिर मतदान केंद्र की संख्या, मान लीजिए कोई भी ABC कोई भी प्राइमरी स्कूल जनरली होता है उसका नाम लिखा जाएगा। फिर कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे आप इसकी संख्या लिख दीजिए और ब्रैकेट में जो भी उसका सीरियल नंबर है वो भी लिख दीजिए। फिर बैलेट यूनिट, एक की संख्या में मिला है, अंडर ब्रैकेट आप उसका सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन करिए। उसी प्रकार VVPAT, एक अंडर ब्रैकेट सीरियल नंबर। अब अगला है इसमें मतदान केंद्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, जिस बूथ पर आपको चुनाव कराना है वहाँ पे कुल कितने वोटर हैं, यहाँ पे इसे मतदान केंद्र के नियत निर्वाचकों कुल संख्या यहाँ पे मेंशन करना। मान लीजिए कुल वोटर 1000 है तो आपको 1000 यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद दूसरा है मतदाता रजिस्टर 17A या 17K में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, जो मतदान अधिकारी 2 के पास होता है चुनाव संपन्न यानी आखिरी समय में, उसके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग कितने मतदाताओं ने कुल वोट किया उसकी कुल संख्या यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लीजिए कुल वोटर 1000 हो गया, यहाँ पे वोट पड़ा रजिस्टर के अनुसार 800, तो यहाँ पे आपको 800 या 800 लिख देना है। अब तीसरा है नियम 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। कुछ वोटर ऐसे आते हैं जो एंट्री वगैरह करने के बाद अंत में कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे। मान लीजिए ऐसे वोटर की संख्या 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2। फिर नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। कुछ ऐसे मतदाता आते हैं जो नियम पारदर्शिता का उल्लंघन करते हैं और ऐसे वोटरों को पीठासीन अधिकारी द्वारा वोट डालने से मना कर दिया जाता है कि आप वोट नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आप पारदर्शिता का उल्लंघन किए हैं। तो मान लीजिए इनकी भी संख्या 2 है तो 2-2 कुल 4 हो गए। फिर पांचवा है नियम 49MAD के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। अब आपके बूथ पर अगर कोई ऐसा वोटर आता है जो ये कहता है कि जो VVPAT की स्लिप है हमने फला कैंडिडेट को वोट दिया और स्लिप में कोई दूसरा चिन्ह दिखा रहा है, तो इसके लिए आप उसका जो है प्रोफार्मा भरा कर और ऐसे वोटर से टेस्ट वेट या परीक्षण वेट कराएंगे तो इनकी कितनी संख्या है यहाँ पे लिखा जाना है। अब मान लीजिए कुल संख्या 1, ऐसे वोटर 1 हैं तो यहाँ आप 1 लिख दीजिए। फिर प्रारूप 17K में मतदाताओं की क्रम संख्या, अब जो मतदाता रजिस्टर होगा उसमें उसका क्या सीरियल नंबर है उसको यहाँ पे मान लीजिए 14 है तो यहाँ 14 लिख दीजिए। और फिर टेस्ट वेट में ये भी लिखना है, अगर आप वहाँ VVPAT की पर्ची से मिला लिए कि वो वोटर झूठ बोल रहा है और जिस कैंडिडेट को वोट दिया है वही कैंडिडेट का चिन्ह ही VVPAT स्लिप में दिखाई दे रहा है तो उसके दायों को खारिज करके
और कंटिन्यू वोटिंग जारी किया जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक वोटर ने टेस्ट वेट कराया और जिस कैंडिडेट को वो डाला है तो उस कैंडिडेट की जो सूची मिलती है उसमें उसका क्रमांक यानी भी बैलेट यूनिट में जो सीरियल नंबर पे उसका चिन्ह होगा, मान लीजिए तीसरे पे दिया है तो तीसरा लिख दीजिए उसका नाम, उसका जिस कैंडिडेट का नाम जो भी हो ABC यहाँ लिखना है, और मतों की संख्या एक मत उसको मिला तो ये मेंशन किया जाएगा, चूँकि मतगणना के समय इसको फला प्रत्याशी के कुल वोट में से इसको घटा दिया जाएगा, इसलिए ये करना ज़रूरी है। मान लीजिए टेस्ट वेट में वोटर का दावेदारी सही पाया गया, किसी कैंडिडेट को वोट दिया और चिन्ह दूसरे का दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप रिटर्निंग ऑफिसर को सूचना देंगे और मतदान स्थगित कर दिया जाएगा। उसके निर्देशों के पालन के अनुसार जैसा उसका आदेश होगा वोटिंग जो है रोक दिया जाएगा। फिर छठवां है मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड, अब EVM मशीन जो है उसके अनुसार कुल कितने मत उसमें प्रदर्शित हो रहे हैं, तो इसकी संख्या आप और मतदाता रजिस्टर की जो संख्या है उससे टैली होना चाहिए। मान लीजिए अभी पर हमने शुरू में ही मेंशन किया था कि कुल वोटर 1000 है, 1000, और मान लीजिए वोट कुल मतदाता रजिस्टर में 800, और ऐसे वोटर जो वोट डालने से मना किए वो 2, और एक को पीठासीन अधिकारी ने वोट डालने से मना कर दिया चूंकि वो नियम का उल्लंघन कर रहा था, तो हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे, इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या मद 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या मद 2 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या मद 3 के सामने मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या ऋण मत 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, मतलब कुल मतदाता रजिस्टर के अनुसार कुल संख्या 800 है और जितने वोटर ने वोट डालने से मना कर दिया वो 2 हो गए, एक को पीठासीन अधिकारी ने वोट डालने से मना कर दिया 3 हो गए, तो 800 में से 3 घट जाएगा 797। 700 यदि मशीन में 797 वोट है तब जान लीजिए आपका आंकड़ा सही है। कुल 800 हो गया, 2 वोटर, इसको हम दोबारा लिख दे रहे हैं, 2 वोटरों ने वोट डालने से मना कर दिया, एक को पीठासीन अधिकारी ने वोट डलवाने से मना कर दिया, तो ये 3 जो है इसमें से घट जाएंगे, और मशीन EVM में 797 है और यहाँ पर ये दोनों टैली कर रहा है, ये घटाने के बाद तब आपका मतपत्र लेखा सही है यानी इलेक्शन पूरी तरह से सही है। अब यहाँ पे आपको कहना है, एक चीज़ लिखना है कि क्या आइटम 6A यानी 6 क्रमांक मतलब EVM में जो वोट हैं ए बराबर यानी 797 बराबर 2 - 3 - 4, अब 2 में मतलब मतदाता रजिस्टर में जितने वोटर हैं 800 है, और इसके बाद -3, 3 का मतलब जितने वोट डालने से मना कर दिया, 2 800 में से 2 घटा दो 798, एक नियम उल्लंघन के कारण पीठासीन ने उसको मना कर दिया तो 3 हो गया, 800 में से 3 घटाने के बाद 797, और EVM में भी 797 है, तब आप यहाँ लिखेंगे कि हाँ मेल करता है, मेल करता है। अगर अंतर है तब आपका लेखा सही है, कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ी हुई। अब आगे क्या करना है, इसमें उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत्त मतपत्र नियम 49P के अधीन जारी किए गए, तो जनरली जो है टोटल आप सामान जब लेते हैं तो कुल 20 की संख्या में
प्राप्त होता है उसमें कितना यूज है, मान लीजिए दो दो को यूज, दो यूज किया गया है पोलिंग बूथ पर, तो यहाँ इसका डिटेल भरना, उपयोग के लिए प्राप्त तो कुल संख्या 20 हो गया, निर्वाचकों को जारी 2 हो गया, वापस कितना हुआ 18। यहाँ उसका क्रमांक भी लिखना है, मान लीजिए 1 से लेके 20 तक, यहाँ पर 18 से लेके 19 से लेके 20 तक दो ही देना है, 19 से 20, अब बचा कितना 1 से 18। यहाँ पर ये नियम है, निविदत्त मतपत्र जो 20 मिलेंगे वहाँ आप अंतिम क्रमांक से इशू करेंगे, जैसे पहला आता है तो 20वां जो अंतिम क्रमांक है वो इशू किया जाएगा, इसके बाद फिर आता तो 19वां दिया जाएगा, इस प्रकार से इसको मेंशन करना है। अब क्या करेंगे, पेपर सील का लेखा, इसमें 10वां आइटम है कि पेपर सील कितने जो है, पेपर सील की कुल संख्या आपको मिली हुई है और उसमें कितना प्रयुक्त किया गया, उसको सीरियल नंबर सहित लिखना है। जैसे मान लीजिए कुल पेपर सील आपको मिला 4, फिर किस क्रमांक से या 1 से लेके 4 तक ये लिखना है, और प्रयुक्त किए गए मान लीजिए 1 प्रयुक्त हुआ क्रमांक 1 से क्रमांक 1, फिर वापस किया गया 2 से, वापस किया गया उसकी संख्या पहले लिखी है 3, फिर 2 से उसका क्रमांक हो जाएगा 2 से 4। और यहाँ पर देखिए लिखा है मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, तो जितने भी एजेंट हैं पहला दूसरा सबका साइन भी करवाना है। इसके बाद जितने पेपर सील बच जाएंगे उनको आपको वापस करेंगे, और क्षतिग्रस्त अगर मान लीजिए लगाते समय कोई पेपर सील डैमेज हो गया तो उसकी भी आपको संख्या देनी, मान लीजिए 1 डैमेज हुआ तो उसका भी क्रमांक, किस क्रमांक का ये डैमेज हुआ है उसको भी मेंशन करना है, और यह साइड में एजेंटों का हस्ताक्षर कराने के बाद जो पोलिंग बूथ का स्थान है यहाँ दिनांक लिखिए, यहाँ पीठासीन अधिकारी की साइन करेंगे। तो इस प्रकार आप मतपत्र लेखा अपना तैयार करेंगे, तो मैं समझता हूँ इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई। धन्यवाद।